दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार जिसे मैं कहता हूं, वह जेल से निकल गया। निकलने के बाद 3 दिन से यह भौकाल टाइट अपना करवा रहा है और आज तो लाइव वीडियो में आके इसने हद पार कर दिया। इसने लालू यादव को चारा चोर तो तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कह डाला। अब इसे मैं बता दूं, जो ये भौकाल जेल से निकल के टाइट किया और इसके इर्द गिर्द जो इसके चेले चमुंडे, वही नागेश सम्राट, वही रवि भट्ट, वही पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला अभिनव, वही जो है मगध दर्पण वाला, ये सब जो है इर्द गिर्द इसके थे और इसका भौकाल ऐसे टाइट किया जा रहा हो मानो कि यह 9 मिनट में जेल से चुटकी मारते निकल गया। इतना तो 9 मिनट में निकलने वाले लोग भौकाल टाइट नहीं करते जितना ये 9 महीना में निकला है। 9 महीना में कितना दिन होता है पता है? बता दूं इसके भक्तों को, 9 महीना में 270 दिन होता है, 9 × 3 = 27, 270 दिन बाद निकला है। तुम लोग ऐसा प्रोट्रे कर रहे हो जैसे कि मानो यह 9 मिनट में निकला हो, 9 घंटे में निकला हो, 9 दिन में निकल गया हो, या 180 दिन में सरकारें गिरा दिया हो, या 90 दिन में निकल गया हो। यह घंटा कुछ नहीं कर पाया, जेल में 270 दिन रहा। इसके ऊपर राजद्रोह तरह मुकदमा लगा। एक गंभीर मुकदमा भी किसी पे लगता है ना, वह भी 2 महीने में बेल पे आ जाता है। फिर जो है कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है, उसको सजा मिलता है तो फिर वह जेल में जाता है सजा काटने के लिए। तो यह 9 महीना में निकले हैं, कोई बड़ा तीर नहीं मार दिए हैं, लेकिन इसके साथियों द्वारा और इसके द्वारा इस तरह इसको हीरो बनाया जा रहा है कि मानो यह बहुत बड़ा शुभ काम करके आ रहा हो। आप सभी को बता दूं, इसके ऊपर राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे लगे हैं। एयरपोर्ट के पास जो वीडियो बनाया है फेक लोगों को खड़ा करके और बोल रहा था कि ये लोग तमिलनाडु से भाग के आए हैं, जो वीडियो बनाया है उसमें इन भाई साहब का जो है स्थिति बुरी थी। और 9 महीना बाद निकलने के, हम मुख्यमंत्री, उसके चेले चपाड़े, हम मनीष मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, यह घंटा मुख्यमंत्री बनोगे। एक पार्षदी जो है ना, तुम और तुम्हारे चेले चपाड़े एक पार्षदी तो जीत नहीं पाएंगे, और बड़ी बड़ी बात की मुख्यमंत्री और ये बनेंगे। अब लाइव में आके यह तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा और लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बोल रहा है।